इसे महज एक संयोग माना जाए कि जैसे ही चुनाव आते हैं हमारे देश की एजेंसियां घनघोर सक्रिय हो जाती हैं। तो ईडी पंजाब में सक्रिय हुई है। इधर सुबह के सूरज ने दस्तक दी, उधर ईडी की 8 टीमें पंजाब में 10 से 12 ठिकानों पर पहुंच गई। मसला था अवैध रेत खनन का। ईडी को शक है कि रेत खदान के ठेके लेने में काले धन का भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस छापेमारी में सियासत का तड़का तब लगा जब मालूम चला कि ईडी जिन 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार भी हैं। नाम है भूपेंद्र सिंह हनी। तो भूपेंद्र सिंह हनी के घर को तलाश रही थी ईडी। हम इस वक्त मोहाली के होमलैंड इलाके में है। यहाँ पर ये जो मकान है 5वीं मंजिल पे, वहां पे सुबह से ही रेड चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत हो रही है वो इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर ही हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, चन्नी साहब ने खुद भी बोला था कि उनपे कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त ईडी का रेड मल्टीपल लोकेशंस पे होना, उसको किस तरह से देखी जाएंगी? सियासी पार्टीज जो है इस पे राजनीति तो गरमाएगी ही। आपको बताते चले कि इसके पहले भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सैंड माइनिंग के अवैध कारोबार में सीएम चन्नी के नजदीकी लोग शामिल हैं। अब माहौल ही ऐसा था, सीधा आरोप लगा चरणजीत सिंह चन्नी पर, तो चन्नी सामने आए और उन्होंने वही आरोप लगाया जो अक्सर नेता लगाते हैं कि ये छापेमारी डराने की कोशिश है, खालिस चुनावी सियासत में लिपटी हुई है ये छापेमारी, मगर मैं डरूंगा नहीं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल तो ऐसे मौकों का ही इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि हर मंच से वो ये नहीं बताना भूलते कि मौजूदा दौर में सबसे ईमानदार पार्टी उन्हीं की है, इसीलिए उन्होंने चन्नी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये बहुत ही दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहां पे रेता चोरी हो रही थी, उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो साफ जाहिर है कि वो और उनका परिवार जो है वो रेता माफिया में शामिल है। अवैध खनन का आरोप सीधे चरणजीत सिंह चन्नी के चरित्र पर उठा है, इसलिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। चंडीगढ़ से दिल्ली तक कहा गया कि जानबूझकर चन्नी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं एफआईआर में नाम नहीं। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। 5 नदियों वाले राज्य में अभी तो चुनावी सियासत का आगाज है, और आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना धारदार होगा इसका अंदाजा लगाना आसान है। बस दम साध कर देखते जाइए कि 20 फरवरी तक झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज में चुनावी सियासत का कितना पानी बह जाता है। कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली आज तक।